हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी ब्लूटूथ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते। गाइस, मेरे पास सैमसंग का फ़ोन है। फ्रेंड्स, सही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है, एंड इसके बाद आपको ऊपर अगर इस तरीके से ऊपर स्क्रॉल कर लेंगी और यहीं पे आपको दिखता है जनरल मैनेजमेंट का ऑप्शन, एंड आप उस पर क्लिक कर देंगी। फिर ऊपर स्क्रॉल करेंगे तभी आपको यहाँ दिखता है रीसेट का ऑप्शन, एंड आप उस पर क्लिक कर देंगे। फिर आपको रीसेट नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ से रीसेट सेटिंग पर क्लिक कर देना है, रीसेट कर देना है सेटिंग को, एंड फिर जो भी स्क्रीन लॉक लगा रखे से ड्रॉ कर लेंगी। फिर रीसेट पे क्लिक करेंगे, फिर इस तरीके का ऑप्शन आएगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग, मतलब नेटवर्क सेटिंग रीसेट, यानी कि आपको नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाता है तो जो ब्लूटूथ प्रॉब्लम होती है सॉल्व हो जाती है। साथ ही साथ आपको नेटवर्क प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। गाइस, जब भी ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता तो एक बार रीसेट कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड गाइस, रीसेट करने से कुछ भी नहीं हटेगा आपके फ़ोन से, सही रहता है। रीसेट करने से कुछ भी नहीं हटेगा, सही सही हो जाएगा। सो गाइस, इस तरीके से जो है ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एंड गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।